23 जुलाई 2019 का दिन हिंदुस्तान की तारीख का सिया दिन साबित हुआ जब बीजेपी सरकार ने तलाक बिल 2019 को पास किया, जहां पर अपोजिशन भी कमजोर नजर आया। अपोजिशन ने वॉकआउट करके बीजेपी के इस साजिश को कामयाब करने में अहम रोल अदा किया। वहीं हम देखते हैं कि दूसरे दिन ही खबर आई कि सड़क पर एक नौजवान ने अपनी बीवी को तीन तलाक बोलकर तलाक दे दिया और ये मामला जो कोर्ट में चल रहा था, ये मामला हमें ये नज़र आता है कि एक दिन पहले बीजेपी सरकार ने तलाक बिल को कानून का दर्जा दिया, दूसरे ही दिन एक मुस्लिम नौजवान ने जिद में आकर कि देखते हैं कितना तुम तलाक का बिल लेकर आते हो, कितना हमें जेल में डालते हो, और ये जिद का मामला नज़र आता है, जिसने बीच रास्ते पर अपनी बीवी को तलाक देकर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें ऐसे किसी कानून का डर नहीं है, हम ऐसे किसी कानून से डरते नहीं हैं। अगर बीवी से शिकायत है तो इसको बैठ के हल किया जा सकता है। इस नौजवान को ये भी सोचना चाहिए था और उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमें ये नज़र आता है कि जिद का मामला नज़र आ रहा है और ऐसे जिद में ना जाने किसने घर बर्बाद हो जाएंगे, ना जाने कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो जाएगी। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, फिक्र करने वाली बात है। आइए देखते हैं वो वीडियो जो बीच रास्ते में एक लड़के ने जो है अपनी बीवी को तलाक दे दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। लाइन में तारीख लगाने गए थे, केस चल रहा था, तो वहाँ पर तो केक आ गया, मैं इसको रखना चाहता हूँ। हमने क्या नहीं, हम वो मेरा शौहर कह रहा था रखना चाहता हूँ, तो तारीख लगा दी थी, वहाँ से 11 तारीख बताई थी इनके, 11 तारीख पे आना है। वहाँ से आके बीच रोड पे हम रिक्शा में बैठ रहे थे, वहाँ से रोक कर हमें कहने लगा उनके क्या चाहती है मेरी अम्मी को, उनके तू क्या चाहती है, अम्मी ने क्या, जब हमने केस कर रखा है वहीं से पता चल जाएगा क्या चाहती है। तो कहने लगा ये क्या मुझको छोड़ेगी, मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। उसने 3 बार तलाक कहा, उसके बाद उसने बहुत ही बार कहा कि मैं इसे छोड़ दिया, इसे तलाक देता हूँ। मेरे भाई ने कहा यहाँ क्यों कह रहा है तू, पुलिस में कहना, यहाँ बीच रोड पे क्यों बोल रहा है इतना। तो उनने मेरे भाई के साथ मारपीट की, महिला अस्पताल के सामने इनकी आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिससे आपस में मारपीट करने लगी। 100 नंबर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनको थाने पे ले आई है और इनके खिलाफ कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर जो महिला है उसका आरोप है कि उसके पति ने उसे रास्ते में ही 3 तलाक दिया है और वो तलाक देने के बाद, क्या इस मामले की भी जांच की जाएगी? जो भी वीडियो में आएगा, जो भी इसमें पादू रहेंगे, सभी पादों की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएगा उसे जाते कार्रवाई की जाएगी।